रहमान रहीम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो दुबई और नॉर्दर्न एमिरेट्स में रहते हैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। इस साल हमने ईद बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में गुजारी है। एक तो कोरोना की वबा की वजह से तमाम लोग रिस्ट्रिक्टेड रहे और दूसरा पाकिस्तान में जो एयर क्रैश हुआ है, मैं उन तमाम लोगों से जिनके प्यारे हमसे इस एयर क्रैश में बिछड़ गए हैं ताजियत करता हूं पाकिस्तान कॉन्सुलेट की तरफ से और अपनी तरफ से। इस वक्त हमने 18 अप्रैल के बाद से अब तक 37 फ्लाइट्स के जरिए 7,340 लोगों को पाकिस्तान भिजवाया है। ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और फ्लाइट्स हैं और लोग पाकिस्तान जाएंगे। यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं और तंबीह करना चाहता हूं लोगों को कि प्लीज, हमें बहुत सी शिकायत मिल रही हैं कि लोग अपने आप को एजेंट्स या कॉन्सुलेट का अमला शो करते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करें और आपको टिकट मिलेगा। ये सब झूठ बोलते हैं या आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। प्लीज इनसे बचें। कोई भी आदमी ऑनलाइन पेमेंट मत करें क्योंकि आपको जब कॉन्सुलेट से बुलाया जाता है तो आप पीआईए के काउंटर पर खुद जाते हैं और वहां खुद कैश और क्रेडिट कार्ड के साथ पेमेंट करते हैं और टिकट के ऊपर प्राइस लिखी हुई है जो हुकूमत की मंजूर शुदा प्राइस है। सो बराए मेहरबानी अपने आप को इन एजेंट से महफूज रखें और कोई भी ऑनलाइन पेमेंट दुबई की जो फ्लाइट्स जा रही हैं यहां से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो प्लीज कोई भी ट्रांसफर मत करें पैसे, अगर आप करेंगे तो आप अपना नुकसान खुद ही करेंगे। आइए दोबारा दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस कोरोना की वबा से और हम सब मिलके पाकिस्तान के नाम के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदा।